लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी बार बार यही कह रही है कि भाई उनकी तो गुटबाजी खत्म कभी हो गई ही नहीं, इतने ही गुट हैं कांग्रेस पार्टी में। अब आप देखिए कि आप बस गुटबाजी में ही आपस में ही उलझ के रह जाएंगे। अब भाजपा वाले है अपनी पार्टी को संभालें। अब जिस समय ओम प्रकाश धनखड़ जी बने थे, आपको पता है कि हमारे कृष्ण पाल जी गुजर के हलवाई भी धर बैठे रह गए थे, उनकी मिठाई भी बनी बनाई रह गई थी, मुझे नहीं पता हलवाई आप बिठा बता रहे रखे हैं थे। फरीदाबाद से ही हैं मैं आप। बता रहा हूँ ना, फरीदाबाद से उनका पूरा लेटर भी उनका छप गया था, हलवाई कर दिए थे और वहाँ पर पूरी व्यवस्था हो गई थी और वो रखी रहेगी। और आप कह रहे हो कि प्रदेश अध्यक्ष किसकी रहनुमाई में चुनाव हुआ था 2014 में? दूसरा, रामविलास शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, और उनके जो विधायक दल के नेता सबसे सीनियर अनिल विज थे, दोनों पांच पांच बार के विधायक थे, लाइन में लगे हुए थे। मुख्यमंत्री की कुर्सी आएगी, 47 MLA बने। खट्टर साहब तो पहली बार जिंदगी में चुनाव लड़े थे, पहली बार MLA बने, वो मंसूबे पाले हुए थे और उनके मंसूबों पर पानी फेरते हुए खट्टर जी बन गए मुख्यमंत्री। तो आपने देखा कि उनके चेहरे पर क्या उनके ऊपर बीती थी, रामविलास शर्मा जी के ऊपर और अनिल विज के, कितना जो आपस में द्वंद्व रहता था एक दूसरे के खिलाफ, कितना ये हमारी गुटबाजी की बात कर रहे हैं, ये अपनी गुटबाजी को तो सही कर रहे हैं। आज भी अनिल विज से अलग से पूछो, उसके मन में कितना दर्द है, पीड़ा है कि उसको छोड़ करके खट्टर जी को बना दिया। दर्द तो अशोक तंवर रामविलास को भी शर्मा जी कहते हैं को मौत भी, है। रामविलास शर्मा जी को भी कितना दर्द है।